नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सिर्फ पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका डेली करंट अफेयर्स का क्लास भी कराया जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले जो मित्र या जो व्यूअर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक, आइए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मार्च 2020 के दौरान जाने माने प्रसिद्ध कलाकार, वास्तुकार, मूर्तिकार एवं लेखक सतीश गुजराल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1999 में। आपका क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल का निधन हो गया जो थे, तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? कलाकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और लेखक थे। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में हाल ही में मार्च 2020 के दौरान सवाई मान सिंह सरकारी अस्पताल में एक ह्यूमनोइड रोबोट पर परीक्षणों की एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यह जांचने के लिए किया गया है कि क्या यह रोबोट COVID-19 रोगियों को दवा और भोजन देने में सक्षम है या नहीं? तो कहाँ पे किया जा रहा है ऐसा परीक्षण? जयपुर में। आइए अगले वीडियो पर चलते हैं, कोरोना वायरस को हराने के लिए भारतीय सेना ने किस नाम से एक ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया है। आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं आज के, कोरोना महामारी से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने लाख डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपका है 29 लाख डॉलर। आइए आपका अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठा क्वेश्चन, मार्च 2020 के दौरान कोरोना वायरस के कारण मनु डिबंगो का निधन हो गया, ए थे, तो एक अफ्रीकी गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। आठवां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मार्च 2020 के दौरान राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने? हरियाणा की राज्य सरकार ने। ठीक, आइए नवें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में मार्च 2020 के दौरान किस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि न मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटीन लोगों की पहचान के लिए किया जा सकता है? तो इजाज़त किसने दिया है? निर्वाचन आयोग ने। आज का अंतिम प्रश्न दसवां, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 27 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अनुमान को 5.3% से घटाकर कितना कर दिया है? 2.5%। ठीक, तो चलिए मित्रों, आज का डेली करंट अफेयर्स का हमारा यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।